आशीष कहे, क्योंकि श्राप देना क्या है? श्राप देना यानी बुरा कहना है। आशीष क्या है? कि अच्छी बातें कहना। ठीक है, श्राप देना यानी बुरा कहना, आशीष देना यानी अच्छा कहना किसी चीज या व्यक्ति के बारे में। यानी हर समय आशीष कहे, आशीष कहे। इस तरह आप आशीष लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, वही तो है जो सारी चीजों को लाता है। लोग आशीषित हैं लेकिन वो आशीष में नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी अपने महसूसीकरण पर आधारित है। अभी वो आधारित है कि दूसरे क्या कहते हैं, प्रभु जो कहता उससे बढ़कर, प्रभु का वचन जो कहता उससे ज्यादा महसूसीकरण पर। इसलिए वो प्रभु की आशीष में नहीं चल सकते हैं। यही एक कारण है, विश्वास की कमी। मैं कहूंगा कि सामान्य रूप में तीन कारण है कि लोग प्रभु की आशीष में क्यों नहीं चल सकते। सबसे पहले ज्ञान की कमी के कारण। क्या आप जानते हैं कि आप आशीषित हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि वो आशीषित हैं। क्या आप जानते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा आप पर आशीष आई है? वो इसका ज्ञान नहीं रखते। ज्ञान की कमी के कारण, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रखता है और आप उसमें से 1 रुपया निकाल कर कैसे आनंद उठा सकते हैं यदि आप नहीं जानते कि वो कहां पर है, किस जगह है, कौन से बैंक में है, कौन से अकाउंट में है, और ये न जाने कि वो आपके नाम पर है। यदि आप नहीं जानते वो आपके लिए है, उस अकाउंट नंबर में इतना रुपया है और आप उसका आनंद नहीं उठा सकते हैं। शायद ये वहां आपके नाम पर हो लेकिन आप उससे 1 रुपया नहीं निकाल सकते। इसी तरह से बहुत से लोग आशीष का आनंद नहीं उठा सकते क्योंकि वो आशीष के बारे में नहीं जानते। दूसरी बात, विश्वास की कमी। अब मैं इसी के बारे में कह रहा हूं, विश्वास की कमी। यानी वो विश्वास में नहीं चल सकते, नहीं जानते विश्वास कैसे काम करता, नहीं जानते कि विश्वास का संबंध देखी बातों से नहीं है, जो दृश्य बातें उनसे नहीं है, इसका संबंध अदृश्य चीजों से है। कई बार आशीष अनदेखी होती है लेकिन इसे देखने से पहले विश्वास करना होगा। विश्वास हमेशा पहले भरोसा करता है फिर देखता। देखकर विश्वास करना विश्वास नहीं, वो सब करते हैं।
कोई भी देखकर भरोसा कर सकता है, यह विश्वास नहीं। विश्वास तो पहले विश्वास करना फिर देखना है, यही विश्वास है। तीसरा कारण यह है कि लोग क्यों आशीष में नहीं चलते, आज्ञा भंग करने के कारण। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बात तो यह है विश्वास की कमी। देखिए, आप विश्वास के बिना आशीष में नहीं चल सकते, यह पूरी तरह से सत्य है। अब इसमें यह समस्या है, लोग प्रार्थना के द्वारा वो पाना चाहते हैं जिसे वो केवल वचन के द्वारा पा सकते हैं। मेरा मतलब क्या है, देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि श्राप यीशु ने उठा लिए और आशीष उसने आपको दी है। किसी को यह प्रचार करना है, किसी को इसे समझाना है, और पवित्र आत्मा को इसका प्रकाशन देना होगा, और फिर आप इसमें चल सकेंगे। आप केवल इसी तरह से आशीष में चल सकते हैं। अब आप इसे इस तरह कर सकते हैं, ये काम नहीं करेगा। बहुत से लोग वचन का प्रकाशन लेकर उसमें चलने के बजाय वो प्रार्थना में से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो प्रार्थना में जाते हैं, 40 दिन उपवास और प्रार्थना, क्यों? तो कहते हैं मुझे श्राप तोड़ना है भाई, वो श्राप है, किसी ने जादू किया, किसी ने ये किया, किसी ने मुझ पर वो श्राप भेजा है, मैं उसे तोड़ना चाहता हूं, मैं उपवास और प्रार्थना करने चला जाऊंगा। गलातियों 3:13 के बारे में क्या? खैर हम प्रार्थना करेंगे भाई, उपवास से इससे निपटेंगे। खैर गलातियों 3:13 के बारे में क्या? खैर हमें वो पता नहीं, हम उपवास प्रार्थना करेंगे। खैर मैं आपसे कहता हूं, यदि आप वचन की परवाह नहीं करते और प्रार्थना करते हैं, तो चलिए मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊं। याद रखिए, मैं वो आदमी हूं जिसने 1 साल तक प्रार्थना के बारे में इस चर्च में सिखाया, इसलिए ये ना सोचे कि मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना जरूरी नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना के बारे में ये कहूंगा, प्रार्थना तो हम करते हैं, क्रूस तो वो है जो प्रभु ने किया है। यदि आप उसका आदर न करें जो प्रभु ने किया है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना का आदर नहीं करेगा। प्रार्थना जिसमें जो प्रभु ने किया उस पर विश्वास नहीं है, उसमें वजन नहीं, मूल्य नहीं है। आप सारी रात रोते रहें, दिन भर रोते रहें, 40 दिन उपवास कर सकते हैं, आप सिर पर खड़े रह सकते हैं और फर्श पर लेट सकते हैं, और आप चिल्ला सकते, चीख कर बांध सकते, और ये और वो कर सकते हैं, लेकिन वचन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। जब उस प्रार्थना में वचन नहीं होता है तो वो घृणित होती है। संसार में हर आस्था में प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना दूसरी प्रार्थना में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है मेरे दोस्तों। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना एक धार्मिक बात है, हर कोई प्रार्थना करता है, केवल विश्वासी नहीं। हेलो, ऐसे लोग हैं जो विश्वासियों से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। मैं आपको ये बताऊं तो मसीह प्रार्थना किस बारे में है? मसीह प्रार्थना का संबंध इससे है जो परमेश्वर ने कहा है। मेरी प्रार्थना ये नहीं कि मैं प्रभु के सामने रोते रहूं, ये नहीं कि मैं प्रभु के सामने चिल्लाऊं, ये नहीं कि मैं प्रभु से भीख मांगकर उसका सिंहासन हिलाऊं। मेरी प्रार्थना ये है कि मैं प्रभु के पास आऊं और उसने जो कहा उसके आधार पर आऊं और कहूं, प्रभु तूने ये कहा है, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। ये यही प्रार्थना है, इस प्रार्थना में मूल्य होगा। हेलो, तो पहले वो ले जो प्रभु ने किया है, और फिर आप वो करे जो आपको करना चाहिए, यानी प्रार्थना। कभी प्रभु ने जो किया उसे दूर न करे, और उसके बजाय अपने परिश्रम में मेहनत न करे प्रार्थना में। प्रार्थना तो आप करते हैं, लेकिन जो प्रभु ने किया उससे हटकर आपकी प्रार्थना कुछ नहीं है, उसमें सामर्थ नहीं है। यदि प्रभु ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो आप प्रार्थना करें, चिल्लाए, चीखे, जितना चाहे चीखे, कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना मरी है, कुछ नहीं है। हेलो, यदि प्रभु ने कुछ नहीं किया तो आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ओ प्रभु से विनती कर रहा हूं भाई, क्या मांग रहे हो? यदि प्रभु ने कुछ नहीं किया है तो आपकी प्रार्थना कुछ भी नहीं है। आपकी प्रार्थना में कोई शब्द नहीं, आपकी प्रार्थना में कोई मूल्य नहीं है, आपकी प्रार्थना में कोई सार नहीं। लेकिन यदि प्रभु ने कुछ किया है और आप अपनी प्रार्थना उस पर आधारित रखते हैं, तो आपकी प्रार्थना पहाड़ हिला सकती है। अब लोग इन बातों को ले रहे हैं, यानी इन सारे परिश्रम में प्रार्थना पर गौर करते हैं लेकिन वचन पर नहीं।
जैसे मानो एक प्रचारक ने कहा, एक भाई ने आकर उनसे कहा, कहा जानते हैं आप, जानते हैं मुझ पर श्राप है, इसलिए ये सब मेरे जीवन में हो रहा है, जानते हैं मेरे जीवन में श्राप है, और आप देखिए मुझे श्राप से पीछा छुड़ाना है, किसने मुझ पर श्राप कहा है। तो प्रचारक ने उनसे कहा, मेरे साथ गलातियों 3:13 आप निकाल ले। प्रचारक ने कहा, तो उस आदमी ने कहा, ओ ये वचन तो एक और प्रचारक ने मुझे अभी भी कहा था, उसने भी मुझे यही वचन बताया था, लेकिन मैं सच में प्रभु के महान जन को देख रहा हूं भाई, जिसमें वरदान हो कि वो उसे तोड़ दे। तो प्रचारक ने फिर से कहा, गलातियों अध्याय 3:13 निकालिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, वो खुद श्राप बन गया, जैसे कि लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है, कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आए। मैं आपको दिखाऊंगा कि श्राप दूर किए गए हैं, आशीष आपकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रभु ने क्या कहा। भाई दूसरों ने भी मुझे वही वचन दिखाया है, मैं ढूंढ रहा हूं एक सामर्थी मनुष्य को जो मुझ पर से श्राप दूर कर दे। यानी आपको यह कहना है कि यीशु इतना सामर्थी नहीं था आपके लिए कि कोई मनुष्य जिससे आप पृथ्वी पर पाएंगे वो यीशु से ज्यादा सामर्थी है, तो आपको गुड लक मेरे दोस्तों, उसे ढूंढे तुरंत ही उसे ढूंढते रहें। मैं आपको बताऊं, मुझे यीशु से सामर्थी व्यक्ति नहीं मिलेगा, और उसने मेरे श्राप दूर किए, पूरी तरह से बिल्कुल दूर किए। ये सारी चीजें हमारे दिल और मन में मजबूत होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत से लोग आकर आपको परेशान करेंगे, आप पर ये श्राप है कहेंगे, क्या आपको पता नहीं, क्या आप ये नहीं जानते, क्या आपको चर्च में नहीं बताया कि आपको इससे निपटना होगा। मेरे पास में इसके लिए सही उपाय है, आप यहां पर आइए और मैं इसे दूर करूंगा। आप कहें आप यहां आइए और गलातियों 3:13 मैं बताता हूं, ठीक है, मेरे साथ निकले। प्रेरित अध्याय 19 में आपको एक और वचन बताता हूं। मैंने आपको यह बताया कि दिखा सकूं कि प्रचार चर्च की सेवकाई है, प्रचार ने चमत्कार किए, और शिमोन जैसे जादूगर भी उद्धार पाए, छुटकारा पाकर यीशु के अनुयायी हो गए, केवल आकर प्रचार सुनने के द्वारा ही। उनके लिए खास श्राप तोड़ने का सेशन नहीं किया, इन सारी चीजों से निपटने के लिए, और आप यही पाएंगे अध्याय 19 में। चलिए वचन 17 से पढ़ते हैं। ये बात इफिसियस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, ये इफिसियस में पौलुस की सेवकाई के बारे में कहता है, और ये कितना महान था, और महान प्रचार और अद्भुत काम सब लोगों में बहुत विख्यात हुए, सब लोग इसे जान गए, और सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुत ने आकर अपने कामों को मान लिया, जादू करने वालों में से बहुत ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। मैं यहीं पर रुक जाता हूं। जो लोग जादू करते थे, ये कह रहा है अब केवल एक मनुष्य नहीं, ये पूरा एक समाज है, पूरा एक समाज, यानी यहां पर बहुत से लोग जादू किया करते थे, बहुत से लोग जादू और बहुत कुछ करते, उनकी किताबें थी। सबसे बुरी बात की शैतान के पीछे, यानी शैतान ने जो लिखा उसे माने, जानते हैं, और वो सबसे बड़ा झूठा है, और इसलिए इन लोगों के पास शैतान की लिखी किताबें थी कि शैतान से निपटे, जानते हैं, और वो ये जादू और हर तरह के काम करते थे। और जब पौलुस का प्रचार सुना और देखा कि प्रभु उसके द्वारा क्या करता है, उन्होंने आकर इस बात का अंगीकार किया, सबके सामने माना, और पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो वो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। सामान्य मूल्य नहीं था, इसकी बहुत बहुत कीमत थी। ये क्या कह रहा है, एक बार पता चले कि ये बेकार है तो चाहे वो कितना भी कीमती हो उसका मूल्य नहीं रहता, उससे पीछा छुड़ा ले। तो उन्होंने जला दी। लेकिन बात यह है, श्राप तोड़ने की सभा नहीं की, किताबें जलाने की सभा नहीं की, नहीं, पौलुस ने जाकर प्रचार किया और लगभग सारे आशिया खंड ने वचन सुना। वो जो प्रचार कर रहा था मसीह के बारे में, उसे सारा आशिया हिलाया गया। उसने क्या प्रचार किया, पत्रियों में पढ़े,
पढ़े गलातियो, एफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, सारी पत्रियां जो पौलुस ने लिखी है, और आप सीखेंगे कि पौलुस ने क्या प्रचार किया। वो उसने यहां पर लिखा है उससे अलग प्रचार नहीं था, ये यही प्रचार था कि मसीह का प्रचार वो करता है जिसके बारे में वो लिखता है, मसीह के बारे में प्रकाशन कि वो कैसे श्रापित हुआ कि हम आशीषित हो जाएं, और उससे संबंधित प्रकाशन उसने लिखे। और इन लोगों ने आकर इन सारी चीजों को जला दिया, उन्होंने श्राप तोड़ने की सभा नहीं की कि इन सारी बातों को दूर कर दें। देखिए, सब लोग इसमें जुड़े थे, काले जादू में जुड़े थे, लेकिन उन्हें यह सब कुछ नहीं करना पड़ा कि उसे तोड़ दे। यह गलत है कि इन चीजों को तोड़ने के लिए आपको श्राप तोड़ने की सभा करनी होगी। बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं, वो बहुत आसानी से आजाद हो गए, बस यही केवल वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, केवल मसीह के पीछे चलने लगे और सारी गंदगी को निकाल दिया। लेकिन आपको यह दिखाने के लिए कि ये वचन ने परिणाम लाए हैं, श्राप तोड़ने की सभा ने नहीं, वहां पर वचन प्रचार करने की सभा हुई। मैं अगला वचन पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बताना चाहता हूं कि सच में क्या हुआ। अगला वचन ये कहता है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हाँ, तो क्या हुआ? ये नहीं कहता तो श्राप तोड़ने की सभा प्रतिदिन बढ़ती गई और रोज बढ़ती गई। नहीं 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 प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया, यानी प्रभु का वचन बढ़ता गया और प्रबल होता गया जादू पर, काले जादू पर। और प्रभु का वचन प्रबल होता है बीमारी पर, प्रभु का वचन प्रबल होता है शैतान के हर काम पर, प्रभु का वचन सारी बातों पर प्रबल होता है। यानी कैसे लोग इस तरह निर्णय लेते हैं कि सारी किताबों और लेख को जला दे जिसका संबंध काले जादू और दूसरी बातों से था, क्योंकि पौलुस वचन का प्रचार कर रहा था, वचन प्रबल हुआ यानी वचन जयवंत हुआ। वो सब इन कामों में थे, वो पहले इन चीजों में थे, इनमें गहराई में थे, लेकिन वचन महान था, वो इन चीजों पर बलवंत हुआ। उन्होंने इन चीजों पर गहराई और मजबूती से विश्वास किया था, लेकिन वचन इन बातों पर प्रबल हुआ। वो इन चीजों की गहराई में थे, लेकिन वचन इस पर प्रबल हुआ। हेलो, वो इन कामों की गहराई में थे, लेकिन वचन उस पर प्रबल हुआ। उन्हें श्राप तोड़ने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं थी, वचन उन बातों पर प्रबल हुआ। मैं प्रभु के प्रबल होने वाले वचन पर विश्वास करता हूं। वचन यहां प्रबल हो रहा है, ये हर गलत विचारों को तोड़ रहा है, ये हर गलत कामों को नाश कर रहा है, ये हर गलत परंपरा को तोड़ता है, ये हर गलत बातों को तोड़ता है, ये सब पर प्रबल होता है। वचन अब भी प्रबल होने वाला वचन है। तो उन्होंने किस तरह की सभा की? उन्होंने वचन की सभा की। हमें इस तरह की सभा चाहिए, वचन के प्रचार की सभा, प्रकाशन प्रचार की सभा, कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ उसका प्रचार करना, इस तरह की सभा। इसे कैसे करते हैं? व्यवस्था विवरण 28 बहुत ही विख्यात वचन है, दूसरे संदर्भों में इसे पढ़ा है, चलिए इसे एक और बार पढ़ते हैं। वचन 1 से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हो गए। जब भी आप आशीष को देखें तो चिल्लाकर कहें आशीष, ठीक है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होगे। धन्य हो, सब लोग कहे धन्य, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू गांव में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। अब इस तरह से पढ़ना ही अच्छा होगा, इसका अर्थ है, ये कहता है धन्य है तेरे शरीर का फल, तेरी भूमि की उपज, और धन्य है तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे जानवर के बच्चे, और तेरी भेड़ बकरियां आशीषित हैं, यही इसका अर्थ है, ठीक है? देखिए, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य है तेरी कठौती, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। देखिए कितनी बार यहां पर आशीष बताई गई है। हाँ, प्रभु ने क्यों, खैर वो कह सकता था कि आशीष तुम्हारे पीछे होगी और लिस्ट दे देता। प्रभु ने आशीष दी तुम्हारे गर्भ के फल पर, तुम्हारे जानवरों के बच्चों पर, पेड़ के फल पर, ये सारी लिस्ट दे देता। वो तो यहां पर बार बार इस बात पर जोर देता है आशीष पर। क्यों?
वो चाहता है कि आप आशीष की सचेतता रखें। इसे सुनिए। यह वह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यह वह आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे और प्रभु तुझे देगा बहुत सी सारी चीजें। सब लोग कहे बहुत सी चीजें। किसी ने कहा केवल आत्मिक आशीष भाई? नहीं नहीं, बहुत सी चीजें। चीजें मतलब वस्तुएं। यानी जब आप आशीषित होते हैं तो आप वस्तुओं के चुंबक होते हैं। आप हर समय अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी चीजें आपके पास आने लगती हैं। आप कहेंगे चीजें क्यों चाहिए? वो कहेंगे मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। आप चीजों को आकर्षित करने वाले हो जाएंगे। हाँ, ये कहता है परमेश्वर तुम्हें बहुत सी चीजें देगा। यानी जो सब कहते हैं उससे पूरी तरह से अलग है। प्रभु परमेश्वर मुश्किल से आपको जो चाहिए वो देगा। नहीं, बहुत सी चीजें। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती, ये सब करके भलाई करेगा। बहुत सी चीजें होगी, आत्मा प्राण शरीर हर तरह से भरपूर चीजें। आमेन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। कितने लोग सोचते आशीष है? आप उधार क्यों नहीं लेते हैं? क्यों उधार देते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत है, आपको जो चाहिए उससे ज्यादा। प्रभु यही चाहता है। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। अब प्रभु इसे इस तरह से इसलिए बताता है कि आप जाकर इन आशीषों को कहते जाएं, अपने घर में आशीष कहें। ये कहते ना फिरे मुझे पता नहीं, शायद कोई श्राप होगा। क्या आपके पेट में कुछ महसूस हुआ? क्या आपने वहां से कुछ अंधेरा निकलते देखा? क्या कल रात आपने अंधेरे में काला कुत्ता देखा? घर में इस तरह न चलते रहें। हर समय शैतान और श्राप के बारे में कहते न रहें। शैतान और श्राप की सचेतता न रखें। अपने घर में आप चलें आशीष कहते हुए, आशीषित आशीषित आशीषित, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, भीतर और बाहर जाते हुए। मैं जिसमें भी अपना हाथ रखूंगा वह आशीषित है। मेरे खेत आशीषित है, भूमि आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, मेरे गर्भ का फल आशीषित है, आशीषित है मेरी मेरी ग्राइंडिंग मशीन, मेरे रेफ्रिजरेटर आशीषित है। आशीषित आशीषित आशीषित, यानी देखिए सबको आशीष दे। कुछ लोग अपने रेफ्रिजरेटर को श्राप देते हैं, बेकार फ्रिज है ये, बेकार फ्रिज कभी काम नहीं करता। यदि आप उस फ्रिज को बेकार कहते रहें, दो महीने तक बेकार कहते रहें, तो वो दिखाएगा कि वो कितना बेकार है। आपने नहीं देखा कि वो कितना बेकार है? ये अभी आपके लिए काम कर रहा है, कम से कम कुछ कर रहा है। लेकिन यदि आप इसे बेकार कहते जाएं तो वो सच में बेकार होगा, काम नहीं करेगा। हेलो, क्योंकि आप उसे दो महीने तक श्राप देते आए हैं। उसे श्राप न दे, आशीष दे। जब वो काम नहीं कर रहा तभी आशीष दे, वो अच्छे से काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरी बेकार कार। श्राप न दे, आशीष दे। क्योंकि इसराइली लोग जंगल में चले 40 साल तक, उनके जूते तक बेकार नहीं हुए 40 साल तक। तो आपकी कार कभी खराब नहीं हो सकती। इसका यह अर्थ नहीं कि 40 साल तक वही कार चलाएं। मेरे प्रभु से बदलने की कोशिश करें। इसे बदलने की कोशिश करें, बेहतर कार के लिए प्रभु पर विश्वास करें। विश्वास करें कि नई कार खरीदेंगे और इस तरह की चीजें। लेकिन बात तो यह है, यदि आपके पास वह है तो उसे आशीष दे, आशीष दे। उसे आशीष दे तो अच्छे से चलेगी। क्योंकि यदि आप उसे श्राप देंगे तो आपको सारी समस्या होनी शुरू हो जाएगी जो कभी नहीं देखी। कार की परेशानी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर दिन मैकेनिक को बुलाते हैं क्योंकि पिछले दो महीने से आप उसे श्राप देते आए हैं। उसे बेकार कार कहते हैं, बेकार, जो काम नहीं करती।
इसलिए श्राप की सचेतता न रखे, शैतान की सचेतता न रखे, ये न कहे कि किसी ने जादू किया है, किसी ने ये किया, किसी ने श्राप भेजा, किसी ने कुछ और किया, नहीं नहीं, आपके घर में चलते रहें, दफ्तर में चलते रहें, बाहर जाते समय, भीतर आते समय आशीष कहते रहें। जब दफ्तर में जाते हैं तो काम पर हाथ रखकर आशीष कहे, आशीष को कहते रहे, आशीष ही कहते रहें। ये न कहे ओ वो मुझे पसंद नहीं करते, शायद कोई जादू किया होगा, नहीं नहीं नहीं, आशीष कहे, आशीष 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 कहे, क्योंकि श्राप देना क्या है, श्राप देना यानी बुरा कहना है, आशीष क्या है कि अच्छी बातें कहना, ठीक है, श्राप देना यानी बुरा कहना, आशीष देना यानी अच्छा कहना किसी चीज या व्यक्ति के बारे में, यानी हर समय आशीष कहे, आशीष कहे। इस तरह आप आशीष लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, वही तो है जो सारी चीजों को लाता है। आप जो अंगीकार करते हैं आप उसे पाएंगे, ये प्रभु का नियम है, ये इसी तरह है, ये और किसी तरह से नहीं होता। इसलिए आशीष का अंगीकार करें, शैतान का नहीं, श्राप का नहीं, ये सारी चीजों का नहीं, आशीष का, और आशीष आपकी होगी। I'm reaching for the prize, I'm giving everything, I give my life for this, it's what I live for, nothing will keep me from all that you have for me, you hold my head up high, I live for you, greater is he that's living in me, than he that is in the world, faith, I can move a mountain, I can do all things to cry. Greater is he that's living in me than he that is in the world. Amen. Greater is he that's living in me than he that is in the world.